ओपिनियन पोले के हिसाब से कर्नाटक में कांग्रेस की हुई जीत। कांग्रेस के हाथ में कर्नाटक की कमान। कांग्रेस पार्टी इस दक्षिणी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने जा रही है। 17 मार्च से 15 अप्रैल के बीच कर्नाटक की सभी 224 सीटों के लिए कराए गए ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस 190 से 210 सीटों पर जीत का परचम लहराने जा रही है। ओपिनियन पोल का अनुमान है कि कांग्रेस को 2013 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 37% वोट से कहीं बेहतर वोट इस बार भी मिलने जा रहा है। ओपिनियन पोल में अनुमान लगाया गया है कि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी भी 2013 विधानसभा चुनाव की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस को कड़ी चुनौती देती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी के खाते में 78/86 सीटें आती दिख रही हैं। बीजेपी को 2013 में कर्नाटक में 40 सीटों पर जीत मिली थी, हालांकि उस वक्त बीजेपी का अपना घर ही बंटा हुआ था। तब येदियुरप्पा ने अलग पार्टी केजीपी बनाकर चुनाव लड़ा था और 6 सीट पर जीत हासिल की थी। इसी तरह श्री राममुलु ने भी बीजेपी से अलग होकर बीएसआरसीपी बनाकर चुनाव लड़ा था और 4 सीटों पर कामयाबी पाई थी, पर इस बार बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के हिसाब से कर्नाटक में कांग्रेस की हुई जीत।